इस वक्त मैं अयोध्या के उस प्राचीन मंदिर में मौजूद हूं, जिस मंदिर में काले राम जी की मूर्तियां यानी कि भगवान राम की मूर्तियां स्थापित हैं। और ऐसी धार्मिक मान्यता है कि इन मूर्तियों की स्थापना वीर विक्रमादित्य ने की थी अपने अयोध्या यात्रा के दौरान। हालांकि ऐसा कहा जाता है कि अयोध्या पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो यहाँ के मुख्य पुजारी ने सुरक्षा की दृष्टि से इन मूर्तियों को सरयू में प्रवाहित कर दिया। लेकिन सैकड़ों साल बाद एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण को इन मूर्तियों के बारे में पता चला और जहां पर इन मूर्तियों को प्रवाहित किया गया था सहस्त्रधारा में, वहीं से ये मूर्तियां उनको मिली और एक बार फिर से इस मंदिर में काले राम जी की प्रतिमा को यहां पर विराजित किया गया। आप देख सकते हैं कि भगवान राम, भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न और माता जानकी की जो मूर्तियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं। और इनकी खासियत ये है कि ये सभी मूर्तियाँ काले रंग की हैं और संभवतः ये पहला ऐसा मंदिर है जहाँ पर भगवान काले राम की मूर्तियां स्थापित हैं और इसी वजह से इस मंदिर को काले राम मंदिर कहा जाता है। यहाँ के मुख्य पुजारी महाराज जी इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। महाराज जी, कहानियां तो हमने सुन रखी हैं, धार्मिक मान्यताएं भी हैं, थोड़ा सा ऐसे कैमरे की तरफ आ जाइए, लेकिन आपसे जानना चाहेंगे कि क्या आखिर धार्मिक मान्यता क्या है इस मंदिर की और काले राम जी की मूर्तियाँ कब से यहाँ पर स्थापित हैं? कि श्री राम जन्मभूमि पर उज्जैन के महाराज विक्रमादित्य जी ने जो मंदिर स्थापित किया वो लगभग 1500 वर्ष अपने पूर्व स्वरूप है। 1528 ईस्वी में बाबर बादशाह ने इस एरिया पर आक्रमण किया और राम जन्मभूमि मंदिर उस समय भी प्रसिद्ध था और आज भी प्रसिद्ध है, तो इसलिए पहला आक्रमण उसका श्री राम जन्मभूमि पर। तो वहाँ विग्रह जो था उसकी पूजा अर्चा वहाँ के सिद्ध संत श्यामानंद सरस्वती जी करते थे और उनको ये आभास हुआ कि यवनों का आक्रमण होगा, मूर्तियों को भंग करेंगे, मंदिर को तोड़ेंगे, तो मूर्तियों को सुरक्षित रखने की दृष्टि से उन्होंने भगवान के विग्रह को श्री सरयू सहस्रधारा तीर्थ में प्रवाहित कर दिया और मंदिर खाली कर दिया। और ये कहा जाता है कि उस समय मंदिर में चार द्वार थे और उन चारों द्वारों पर एक एक पुजारी खड़ा हो गया और उन्होंने ये कहा कि जब तक हम जीवित हैं आप मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश नहीं कर सकते। और फिर उन्होंने उन चारों ही पुजारियों का कत्ल कर दिया और मंदिर के अंदर प्रवेश किया। तो जब मंदिर में प्रवेश किया तो वहाँ उन्हें मूर्तियाँ नहीं प्राप्त हुई, केवल खाली बिल्डिंग ही प्राप्त हुई और उसको ही गिरा करके उन्होंने मस्जिद बनवाई। क्योंकि बाबरी मस्जिद बाबर ने बनवाई इसलिए वह बाबरी मस्जिद कहलाई और उसका इतिहास पूरा देश जानता है। तो वो विग्रह सन 1528 में जो सरयू में प्रवाहित किया गया वो लगभग 220 वर्ष भगवान नदी में थे, 1528 से लेकर ईस्वी सन 1748। फिर 1748 के आसपास की घटना है कि महाराष्ट्र के रहने वाले एक संत हुए पंडित नरसिंहराव मोघे जी, वो नदी के किनारे रहकर तपस्या करते थे और तपस्या करते समय उनको भगवान का दर्शन और आदेश हुआ, नागेशन सन्निधौ तत्र इमां मूर्तिं च योजय तत्रैव मम सान्निध्यं सदा भवतु तेजे। अभी आपने यहाँ पीछे नागेश्वरनाथ जी का दर्शन किया होगा, नागों से आविष्टित होने के कारण इन्हें नागेश्वरनाथ कहा जाता है और भगवान के पुत्र लवकुश के द्वारा इनकी स्थापना की गई है। तो उनके पास में स्थापना करने के लिए उन्हें आदेश हुआ, फिर दूसरे दिन स्नान करने के लिए वो नदी में गए और वहाँ पर नदी में ये विग्रह उन्हें प्राप्त हुआ। अभी आपने प्रश्न किया कि इन्हें काले राम जी क्यों कहा। जिन महात्मा जी को ये मूर्तियाँ प्राप्त हुई तो सबसे पहला उद्गार उनके मुख से जो निकला वो यही था कि काले राम जी प्राप्त हो गए। तो अब महात्मा जी के मुख से उद्गार निकला तो वही उनका नामकरण हो गया। अब चूंकि संत सतपुरुष ने नामकरण कर दिया तो पिछले 350 साल से हम इनको काले राम जी कहें। वैसे इनका प्राचीन नाम विष्णु हरि है। जब ये श्री राम जन्मभूमि पर थे तो विष्णु हरि नाम से पूजित थे क्योंकि अयोध्या में सप्त हरि हैं, विष्णु हरि, धर्म हरि, चक्र हरि, बिल्व हरि, गुप्त हरि, पुण्य हरि, चंद्र हरि। तो ये जन्मभूमि पर थे तो विष्णु हरि नाम से पूजित थे, परंतु यहाँ आने के बाद पिछले 350 साल से हम इन्हें काले राम जी कहते हैं। मूर्तियों की विशेषता यह है कि ये मध्य में भगवान राम है, बाई तरफ माता जानकी हैं, दाएं तरफ लक्ष्मण जी हैं, एक तरफ भरत जी और एक तरफ शत्रुघ्न जी, और संपूर्ण विग्रह एक अखंड शालिग्राम शिला में है, अलग अलग मूर्तियां नहीं है। अच्छा, ये मतलब जो पूरा विग्रह है पूरा विग्रह संपूर्ण एक शिला में है। जी हाँ, और विशेषता है कि भगवान जो है ये बद्ध पद्मासन पर बैठे हैं, माता जानकी वामांक में है,
भगवान के दाहिनी तरफ लक्ष्मण जी हैं, लक्ष्मण जी ने छत्र लिया हुआ है भगवान के सिर पर, जो छत्र है, छत्र का दंड लक्ष्मण जी के हाथ में है, भरत जी के हाथ में पंखा है और शत्रुघ्न लाल जी के हाथ में चंवर है। तो छत्र चामर दंड के साथ का भी ये दर्शन है। भगवान के चरण के नीचे हनुमान जी महाराज है और माता जी के चरण के नीचे श्रीयंत्र है, उसका दर्शन वर्ष में केवल दो दिन होता है, एक चैत्र शुक्ल प्रतिपदा जिस दिन हमारे वर्ष का आरंभ होता है और दूसरे रामनवमी के दिन महापूजा का सार्वजनिक दर्शन होता है। उस समय अंदर में जो हनुमान जी हैं उनका दर्शन होता है। अभी आपने यहाँ जो सामने हनुमान जी हैं इनका भी दर्शन किया होगा, ये भी दुर्लभ दर्शन है, बहुत जगह हनुमान जी का दर्शन किया होगा, परंतु यहाँ हनुमान जी जिस स्वरूप में है उस स्वरूप में सहसा कहीं भी हनुमान जी का दर्शन नहीं प्राप्त हुआ, क्योंकि ये दक्षिणाभिमुख है और देवी स्वरूप में है। पाताल में जाकर जब अहिरावण का वध किया था तो हनुमान जी ने देवी रूप धारण किया था, देवी रूप धारण करके अहिरावण का वध किया था और फिर भगवान राम लक्ष्मण को लेकर के वो वापस अपनी सेना में आए थे। तो इसलिए हनुमान जी का दुर्लभ दर्शन भी यहाँ पर दक्षिणाभिमुख और देवी स्वरूप में हनुमान जी का यहाँ पर दर्शन प्राप्त होता है, ऐसा इस मंदिर की विशेषता। तो मतलब हम ये है कि जो मूर्तियाँ यहाँ पर स्थापित हैं, विक्रमादित्य ने इन्हीं मूर्तियों को श्री राम जन्मभूमि में स्थापित किया था, लेकिन वहाँ पर जब मुगलों का आक्रमण हुआ तो इसको सरयू में प्रवाहित किया गया और बाद में मिलने पर इन मूर्तियों को यहाँ विग्रह स्वरूप एक बार फिर से स्थापित। एक बात और मैं कहना चाहता हूँ, बहुत से लोग केवल राम जन्मभूमि के ही बारे में पूछते हैं, विक्रमादित्य ने 5 मंदिरों की स्थापना की थी और 2 मंदिरों का जीर्णोद्धार किया और उन 5 मंदिर की मूर्तियां काले पाषाण में थी और हैं, आज भी हैं। आज भी 3 मंदिरों के दर्शन आपको अयोध्या में होते हैं, रत्न सिंहासन पे कल देखा था। हाँ, रत्न सिंहासन पे वो राजगद्दी कम है, राम जानकी है। यहाँ लक्ष्मण घाट पर लक्ष्मण जी का विग्रह है, वो भी काले पाषाण में है। फैजाबाद में बड़ी देवकाली जिसे कहते हैं, वो भगवान की कुल देवी हैं, वो भी महाकाली महालक्ष्मी महासरस्वती काले पाषाण में है। तो ये 3 अयोध्या में हैं, 1 फैजाबाद में है और 1 मध्य प्रदेश में है टीकमगढ़ जिले में, जो रामराजा का मंदिर कहा जाता है, गणेश कुमारी देवी ने वो स्थापना की थी, यहाँ से मूर्तियाँ उन्हें भी सरयू में प्राप्त हुई थी और उसकी स्थापना उन्हें वहाँ की। और आज जो यहाँ कनक भवन का दर्शन आप कर रहे हैं वो उसी रानी के द्वारा बनवाया गया सन 1887 में मंदिर है, जो यहाँ पर कनक भवन के रूप में भी विद्यमान है। तो यहाँ का भी मूल विग्रह जो वहाँ पर है टीकमगढ़ में है वो काली पाषाण में। तो विक्रमादित्य ने सिर्फ जन्मभूमि की स्थापना नहीं की थी, 5 मंदिरों की स्थापना की थी और 2 मंदिरों का उन्होंने जीर्णोद्धार किया था, एक नागेश्वरनाथ जी का महादेव जी का मंदिर और एक हनुमान जी का मंदिर जिसे हम हनुमानगढ़ी कहते हैं। तो आज के 2000 वर्ष पहले ये 7 मंदिर थे, आज 7 के 7000 हो गए या उससे भी अधिक है। तो प्रमुख मंदिर आज भी यही है विक्रमादित्य द्वारा स्थापित। जन्मभूमि उस समय भी प्रसिद्ध थी, आज भी प्रसिद्ध है, परंतु वहाँ पर आज भी उसके पीछे भूमि शब्द कहा जाता है, राम जन्म भूमि, क्योंकि हम वहाँ अभी तक जो दर्शन करते थे, जो लड़ाइयाँ लड़ते थे वो भूमि के लिए थे, वहाँ भूमि का महत्व है। और भूमि के लिए केवल मंदिर बनवाने के लिए युद्ध नहीं किया हमने, मंदिर बनवाना होता तो अयोध्या में बहुत सारे मंदिर थे, लेकिन वो भूमि हमारी है और उस भूमि के लिए सारी लड़ाई लड़ी और इसलिए आज भी उसका नामकरण राम जन्म भूमि ही है। भूमि शब्द उसमें, वो राम जन्म मंदिर नहीं कहा जाता, राम जन्म संस्थान नहीं कहा जाता, राम जन्म भूमि कहा जाता है। तो वहाँ पर भूमि का दर्शन वहाँ पर हो रहा है और ठाकुर जी का दर्शन यहाँ पर हो रहा है, ये दोनों का अनोन्याश्रित संबंध है। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी आपका। तो देखिए, यहाँ के मुख्य पुजारी ने हमें इस मंदिर की पूरी धार्मिक मान्यता बताई। दरअसल एक बार फिर से मैं आपको ब्रीफ कर दूँ, इस मंदिर की कहानी बता दूँ। दरअसल इस मंदिर में, काले राम जी की मंदिर में जो भगवान की प्रतिमा स्थापित है, दरअसल इस प्रतिमा को लेकर ऐसी मान्यता है कि जब वीर विक्रमादित्य ने यहाँ पर राम मंदिर का निर्माण करवाया, उसका जीर्णोद्धार करवाया, तो इन्हीं मूर्तियों को राम मंदिर में स्थापित किया गया। लेकिन 1528 के आसपास जब बाबर की सेना ने अयोध्या पर आक्रमण किया तो यहाँ के जो मुख्य पुजारी थे उन्होंने सुरक्षा की दृष्टि से इन मूर्तियों को उस सहस्त्र धारा में प्रवाहित कर दिया, जिस सहस्त्र धारा को लेकर ऐसी मान्यता है कि वहीं पर राम जी के छोटे भाई लक्ष्मण जी ने जल समाधि ली थी। हालांकि तकरीबन 200 साल बाद एक महाराष्ट्रियन ब्राह्मण वहाँ पर तपस्या कर रहे थे सहस्त्र धारा के पास और उन्हीं को ये जो प्रतिमाएँ हैं, भगवान राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न और माता जानकी, उनकी ये प्रतिमाएं उनको वहाँ से शस्त्र धारा से मिली और उसको एक बार फिर से इन प्रतिमाओं को इसी काले राम जी के मंदिर में स्थापित किया गया। और देखा जाए तो हर रोज़ हजारों की तादाद में जो श्रद्धालु हैं इस मंदिर में आते हैं, शीश झुकाते हैं और ऐसी मान्यता है
कि अपनी अयोध्या यात्रा के दौरान अगर कोई श्रद्धालु यहाँ आकर काले राम जी की दर्शन और पूजन नहीं करता है, इनका पूजन नहीं करता है, तो उसकी अयोध्या यात्रा अधूरी मानी जाती है।